क्लास टेंथ का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। ये टोटल 6 मार्क्स कैरी करता है और जो इसका यूनिट है नंबर सिस्टम है। इसमें जो टॉपिक कवर्ड है सबसे पहला है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, उसको समझेंगे हम। उसके बाद हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझेंगे, फिर हम प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी करेंगे एंड द लास्ट हम CBSE के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले प्राइम एंड कंपोजिट नंबर समझते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर सिर्फ दो होते हैं, यानी कि वन नंबर और एक नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल अगर टू नंबर है तो वो वन से डिवाइड हो सकता है, टू से डिवाइड हो सकता है, यानी कि सिर्फ दो फैक्टर है। और अगर थ्री है तो वो वन से डिवाइड हो सकता है और थ्री से हो सकता है, तो यहाँ पे भी दो फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में वन से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं और टू होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। अब समझते हैं हम कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर मोर देन टू होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर 4 ले लिया तो 4 1 से भी डिवाइड हो सकता है, वो आपका 2 से भी डिवाइड हो सकता है, वो 4 से भी हो सकता है, तो यहाँ टोटल 3 फैक्टर हो रहे हैं। वैसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 6, जो कि 1 से 2 से 3 से 6 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर है इसलिए वो कंपोजिट नंबर है। जो नंबर 1 होता है नहीं तो वो प्राइम होता है नहीं कंपोजिट होता है, और 4 होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। अब हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। सपोज मैंने एक 20 नंबर लिया, मैं इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल रहा हूँ। 210 जा 20, 25 जा 10 एंड देन 51 जा 5, तो मैं इसके प्राइम फैक्टर्स लिख रहा हूँ। 20 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5, ये तीन इसके फैक्टर्स हैं। तो आपने क्या देखा कि 20 जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके मोर देन टू फैक्टर है। लेकिन आप एक नोट करोगे कि यहाँ पे 2 है और 5 है, 2 नंबर और 5 नंबर प्राइम नंबर ही तो होता है, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो आपने क्या समझा, कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और इसमें एक और चीज़ बोला कि ये यूनिक रहता है भले ही आप कोई भी ऑर्डर में रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि अगर मैं इसको 5 × 2 × 2 लिख दूँ या फिर मैं इसको 2 × 5 × 2 लिख दूँ, फिर भी तो ये सेम ही चीज़ रहेगा, इसलिए इसको यूनिक कहा है। ठीक है, आई होप इस एग्जांपल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी के अंदर टॉपिक है LCM एंड SCF, इसको भी हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल, और इससे हम कुछ एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसमें बस आप ये समझ लीजिए अभी कि जो HCF होता है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पावर लिया जाता है और जो LCM होता है उसमें सबसे ग्रेटेस्ट पावर लिया जाता है एंड रिमेनिंग नंबर्स भी लिया जाता है। चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं। सपोज एक 6 नंबर है, इसमें मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाले तो 2 3 जा 6 3 1 जा 3। यहाँ दो नंबर है, एक 6 ले लिया एक 20 नंबर्स ले लिया, तो 20 के भी मैं प्राइम फैक्टर्स निकाल रहा हूँ, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड देन 5 1 जा 5, तो मैं अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले जो 6 नंबर है उसकी मैं प्राइम फैक्टर लिख रहा हूँ 2 × 3, एंड जो 20 नंबर्स है मैं अब उसके प्राइम फैक्टर्स लिख रहा हूँ 2 × 2 × 5। अब मैं इसको पावर के टर्म में ले रहा हूँ, 2 कितनी बार है, 1 बार है, 3 कितनी बार है, 1 बार है, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, 5 कितनी बार है, 1 टाइम्स है। तो अब हम इसमें सबसे पहले निकालेंगे LCM। तो LCM मैंने क्या बोला था, सबसे जो ग्रेटेस्ट पावर हो कॉमन वाला और बाकी जो उसके अलावा जो नंबर है उसको भी इंक्लूड करें। तो सबसे पहले 2 और 2 ये दो कॉमन है, तो उसमें ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2, तो हम उसको ले लेंगे। अब देखेंगे 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। तो ये है LCM। अब HCF में क्या हम करेंगे, HCF में देखेंगे सिर्फ कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 और 2 था तो उसमें जो सबसे लोएस्ट जो पावर है यानी 2 की पावर 1 सिर्फ उसको लेंगे,
तो ये इसका आंसर हो गया 2। और एलसीएम को हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 जो 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 जो क्या हो जाएगा 12 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 12 इंटू 5 हो जाएगा 60। ठीक है, अब हम यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रूव करने जा रहे हैं कि जो HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई होता है वही एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। तो इसको भी हम प्रूव करके देख लेते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे हमने एक HCF निकाला है जो कि 2 निकला है और LCM निकला है जो कि 60 निकला है और क्वेश्चन में जो है 6 और 20 नंबर दिया हुआ है। तो हम HCF जो है वो 2 लिख देंगे, LCM में हम 60 लिख देंगे और प्रोडक्ट ऑफ नंबर में जो हमने क्वेश्चन में देखा था 6 और 20, तो 6 और 20 ले लिया हमने। एक बार देख लीजिए वापस, जो 20 है वो यहाँ पे नंबर्स 6 नंबर्स, यहाँ जो 2 नंबर है देख रहे हो आप, ये HCF का है और LCM का 60 नंबर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि 120 इक्वल टू 120, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS होता है। तो यानी कि आपको एक चीज़ और पता चल गई कि जो HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई होता है वही आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। चलिए हम एक केस स्टडी करते हैं, कोई एक ए स्टूडेंट है जिसको ग्राउंड के सर्कल कंप्लीट करने में 18 मिनट लगते हैं और एक बी स्टूडेंट है उसको 12 मिनट लगते हैं। तो सपोज़ उन्होंने एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करा एक ही सेम डायरेक्शन में, तो वो वापस कितने समय के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो ये केस स्टडी है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम ले लेते हैं इसका LCM। तो सबसे पहले हम 18 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 9 जो 18, 3 3 जो 9 एंड 3 1 जो 3। अब 12 है, 12 लिख देंगे, 2 6 जो 12, 2 3 जो 6 एंड 3 1 जो 3। तो अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे, 18 का है 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 का है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 दी पावर 1 एंड 3 दी पावर 2, ये पावर के फॉर्म लिख लिया, वैसे यहाँ पे 2 दी पावर 2 इंटू 3 दी पावर 1। ठीक है, तब हम LCM लेंगे 18 एंड 12 का। तो LCM की मेन कंडीशन क्या हो रहा था, जो कॉमन है उसे सबसे हाईएस्ट पावर, यानी 2 दी पावर 2 है तो 2 दी पावर 2 ले लेंगे। अब देखिए 3 नंबर है ये भी कॉमन है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा लेंगे, 3 दी पावर 2। अगर कोई और भी नंबर होता तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं, तो 2 2 जो 4 एंड 3 3 जो 9 यानी 4 9 जो 36। तो हमें पता चल गया कि जो ए एंड बी जो स्टूडेंट्स थे वो जो सर्कल जो कंप्लीट करेंगे तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट में मीट कब करेंगे, आफ्टर 36 मिनट्स। सो ए एंड बी विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट After 36 minutes, हो गया क्लियर आपको? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में समझते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3 एंड √5। ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आपको प्रीव्यू बता रहा हूँ कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या करेंगे। वहाँ पे हम CBSE के क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि एक्चुअली में क्या पूछे गए थे CBSE में और कितने मार्क्स में पूछे गए थे, कौन से ईयर में पूछे गए थे, वो सारी डिटेल्स दिखेंगे। ये जो वीडियो है ये आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वो आप देख लीजिए इसका नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।